हम लोगों ने परसेंटेज जो पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे और जब जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसे आप जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और प्रयास से करिएगा कि आप उस क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये इस बात की गारंटी है कि जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हूबहू परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको सुनने में बड़ा अतिशयोक्ति जैसा प्रतीत होता होगा लेकिन ये वास्तविकता है। जब आप पेपर दे कराएंगे तो मैं पुनः अपनी वीडियो में बताऊंगा और किस किस वीडियो में कितने मिनट पर कितने सेकंड पर मैंने कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया था, जबकि परीक्षा में पूछा ये मैं जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि अनुभव थोड़ा सा है मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद परीक्षा से गुजरा हूं और कई वर्षों का जब पेपर मैंने उठाया तो ये बात समझ में आया कि हर साल इन्हीं क्वेश्चनों में से बार बार पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा कि वह संख्या क्या होगा जिसका 35% 280 है। वह संख्या क्या होगा जिसका 35% 280 होगा। वह संख्या क्या है जिसका 35% 280 होगा। एक बार दूसरी बात एक आप ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को जैसे ही आप तक पहुंचेगा तुरंत आप इसको अपने अन्य प्रशिक्षु साथी तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी आपके लिए पढ़ लें और वो भी अपना बेहतर कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बैक लगने की संभावना होती है वो गणित में होती है। इसलिए आपसे प्रशिक्षु से यही है कि आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा। हमने क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वह संख्या क्या होगी जिसका 35% 280। ये लगाना बहुत ही आसान है कि वह संख्या मानव संख्या x है। क्या है? मानव संख्या x है। कर उसको 35% 280 है, x का 35% कितना हो जाएगा? 35/100 कितना हो रहा है? 280। बस ये तो सॉल्व करना है, फिर करेंगे x बराबर, जो पलट जाएगा उधर जाएंगे तो 280 गुणे 100/35। ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपको पढ़ाया जाता तो ठीक है, नहीं पढ़ाया जाता तो क्या करेंगे, 25 × 1 = 25, 25 × 8 = 280, तो 8 × 100 = 800, तो संख्या 800 हो गई। एक तरीके से और लगा सकते हैं, अगर वो तरीका आप समझ लेंगे तो, अगर मेरे साथ आप सीटेट यूपीटेट सुपरटेट गणित पढ़ेंगे तो वहाँ का मैं ट्रिक के लिए पढ़ाता, मतलब सीधा कह रहा है कि 35% = 280, तो 1% बराबर है कि नियम 280 बटे, पूछा है कुल संख्या क्या थी, संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% गुणे 100, तो 35/8 तो 8 × 100 = 800। ये तरीका मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो शायद आपको ये बात समझ में आएगा कि वास्तव में गणित में बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूँ या सरल आपको लगेगा। तो ये भी मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे, जैसे चुनाव आधारित प्रश्न आएंगे, अन्य किसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, या कुछ यही चीज़ मैं अनुपात में भी पढ़ाऊंगा, मेंसुरेशन में भी इस टाइप से पढ़ाऊंगा, मैंने कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, तो आप इसको भी समझ लीजिएगा। इसको ये पूरा भाई मेथड है, मानव संख्या x है, फिर लिखेंगे x का 35% = 280, फिर x गुड़े 35% = 280, फिर x गुड़े 35/100 = 280, फिर x बराबर 280 गुड़े 100/35, 35/8 = 280, 8 × 100 = 800। बस उत्तर ठीक हो गया सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन आप लिखिएगा, वह संख्या क्या होगी जिसका 0.25% 600 है। वह संख्या क्या होगी जिसका 0.25% 600 होगी। वह संख्या क्या होगी इसका 0.25% 600 होगी। तो ये भी बहुत आसानी से आप आसानी से कर सकते हैं, कि गणित वास्तव में आसान है लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसा बहुत टफ है, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आप अपने आप में खुद ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। और प्रयास करिएगा, आप तक अगर वीडियो जा रहा है तो शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि कर भला तो हो भला अभी इस बात से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बैक आने वाला सब्जेक्ट भी यही है। देखिए कह रहा है 0.25% = 600, ये कह रहा है तो ये संख्या से दिया है, तो मतलब दोनों तरीके से लगा सकते हैं। मानव संख्या x थी, x का 0.25% बराबर कितनी है, परसेंट है माने इसका बटा 100 बराबर, इसको दशमलव हटाना है तो हम नीचे गुड़े 100 कर देंगे, हमने दशमलव पढ़ा है कि दशमलव जगह एक लिखेंगे, जितनी संख्या गुड़े 100 परसेंटेज में था, मतलब इसे एक लाइन में और बता के लिखनी तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, हम इसे थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं। ये हो जाएगा 0.25 को अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे ये हो जाएगा 25/100% = 600। ठीक, तो संख्या x थी तो x का 25/600, फिर x गुड़े 25/100, फिर पूरे का बट्टा 100 = 600, फिर ये 100 पलट के नीचे चला जाएगा तो x बराबर तो हो जाएगा 25/100 × 100 = 600, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 600 × 100 × 100 = 25, तो 25 चौका 100, तो 6 × 4 = 400 × 6, तो माने 6 चौके
24, कितनी जीरो बची? 2 जीरो, 2 4 जीरो, 4 जीरो, ठीक 2,40,000। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? ट्रिक से बताने को मतलब नहीं, क्योंकि आपको लगाना तो इसी मेथड से लगाना है। ठीक, इसे और एक दो लाइन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब आदत पड़ गई ट्रिक की, इसलिए थोड़ा ट्रिकी हम यूज करते हैं पूरा पूरा प्रॉपर। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, किसी राशि का पाँच परसेंट 600 के 15% के बराबर है। 600 के 15% के बराबर है तो वह राशि क्या होगी? इसे भी सॉल्व करिए और अब इसको शेयर कर दीजिएगा अन्य लोगों तक। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आपका मोस्ट वेलकम, उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप कॉल या किसी भी तरह से आप जुड़ सकते हैं, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, किसी भी के लिए। ठीक, नोट्स भी प्रॉपर उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लासेज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। ठीक, और प्लानिंग तरीका तो आपने देखा ही होगा हमारे पूरी टीम का, जो सबसे ज़बरदस्त टीम है अभी तक की, जहाँ तक आपने यूपी की बात की है। ऐसा नहीं जैसा शुरुआत में हम पढ़ाते वैसे पूरा लास्ट तक हम पढ़ाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। कह रहा क्वेश्चन की एक संख्या का 5%, मानव संख्या यक्स थी, यक्स का 5% मैंने 5/100, या तो एक लाइन पहले लिख ले तब आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। कह रहा मानव संख्या यक्स थी, तो यक्स का 5% बराबर है किस संख्या के? 600 का 15%। ये क्वेश्चन कह रहा है यक्ष का 5% बराबर है 600 के 15% के इक्वल है, तो हम ये जानते हैं कामा ने क्या होता गुणा, तो हो जाएगा यक्ष गुणे 5/100 इक्वल टू 600 × 15/100। ठीक, ये तो अब लॉजिक बहुत आसान लग रहा है। अब ये गुणे बदल जाएगा, पलट देते हैं तो यक्ष बराबर, एक तरीका और है बहुत आसान तरीके से हम लगाएंगे, लेकिन एक लाइन बाद ये लिखेंगे। पहले हम 600 × 15/100 उधर पहले का है, ये उधर जाएगा, गुड़े भाग में भाग गुड़े में हो जाता है, अंश का हर हर का अंश हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/5। ठीक, फिर देखिए 100 100 से कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 3 फिर यक्स बराबर 6 3 18 माने 600 × 3 = 1800। तो संख्या क्या है? ये ऊपर भी मैं लगा सकता था, पता कैसे? देखिए ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीन शॉट रख लीजिएगा, फिर मैं देख रहा हूँ। देखिए अगर गुड़े में दोनों पक्ष बराबर हो तो अंश अंश हर हर से कट जाएगा, 100 100 से कट गया, 5 × 1 = 5, 5 3 = 15, 6 3 = 18, 1800, तो यक्स बराबर 1800। इसे एक लाइन में भी हम लगा सकते थे, लेकिन मजबूरी है आपको नंबर लाना है ज़्यादा, दो नंबर, तो इसे लगाना होगा। अभी तक अगला लाइन और बढ़ा सकते थे लेकिन हम आपको और शॉर्टकट मार दिए। ठीक, इसको काट के छोटा करते इधर का, फिर इधर वाला इधर लेकर आते, तो ये विधि लगाएगा, फिर इसके बाद शॉर्टकट में ये मैंने एक लाइन में मार दिया। ठीक, फिर इसको लगाइए, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और प्रयास करिएगा सबको शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। यदि आपको मेरे नंबर जरूरत होगी तो मेरा नंबर है 9506701777, लेकिन इसके बाद इस पर करिएगा, पहले तो इस नंबर पर कॉल करिए क्योंकि ऑफिस का नंबर है। उसके बाद कोई जरूरत ऐसी होती है जो आपको दिक्कत जहाँ समस्या ज़्यादा होती है, फिर उसके लिए हम हैं, पहले प्रयास करिएगा, आप इस नंबर पर कॉल करिएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप पर करिएगा, यहाँ पर नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा नंबर को भी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में 20% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मैंने 1500 लोगों ने नहीं किया, 6000 लोगों ने मत किया, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो बताएं कितने परसेंट वोटिंग हुई, तो बताएं कितना वोटिंग हुआ, तो या बताएं कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले। इसे दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, हम तो डायरेक्ट बता देंगे 6000, तो आप कितना बताएंगे? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो सबसे बड़ी समस्या जो थी उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 7500 मतदाता थे जिसमें से 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, कितने ऐसे मतदाता थे जितने अपने मत का प्रयोग
किया। तो इसके लिए सीधा सा सवाल, कुछ नहीं करना है, कुल मतदाता अपने आप में 100% होते हैं। यदि 20% ने मतदान का प्रयोग अपने 100% में से 20% ने नहीं किया तो कितनों ने किया, 80%। तो बस 7500 का 80% निकाल दीजिए, 80/100 ये कट गया तो हो जाएगा 75 × 80 = 6000। दूसरा तरीका है क्या कि भैया कह रहा 7500 लोग थे, 20% लोगों ने प्रयोग नहीं किया तो 20% निकाल देते हैं तो 20 निकलेगा, ये हो जाएगा 75 × 20 = 1500। अगर 7500 लोगों में से 1500 लोगों ने अपना मतदान नहीं किया, कितने लोगों ने किया, 6000 लोगों ने। ये भी तरीका जो तरीका आपको बढ़िया लगे उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर फिर कोई दिक्कत है, कोई समस्या रह जाती तो मुझे बताइएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको सॉल्व करने का ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आप बेहतर अंक अर्जित करें। ठीक है, सेंटर से एक प्रश्न फिक्स है जो आपका आना ही आना है परीक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिखिएगा, खड़िया में 40% कैल्शियम, 40% कैल्शियम, 48% ऑक्सीजन तथा 12% कार्बन। तो एक किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की अलग अलग मात्रा बताएं। एक किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की अलग अलग मात्रा बताएं। ठीक, तो आप लोग सॉल्व करिए और नहीं कर पाते तो हम तो बताएंगे, लेकिन बहुत आसान है, बिना पेन उठाए बता सकते थे। कह रहा 40% 400 ग्राम, 48% 480 ग्राम, 12% 120 ग्राम। बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते थे, लेकिन बस ये है कैसे अब लगाएंगे ये मायने रखता है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच जाए, जैसे आप तक हम पहुँचाएँ वैसे आप तक औरों तक पहुंचा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करिए आप, और लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक, शुरू किया जाए कथा। कह रहा भैया एक किलोग्राम खड़िया है, तो एक किलोग्राम खड़िया लिख दीजिएगा, तो 1 kg खड़िया में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, कितना होता है 1000 ग्राम, सबका ग्राम में ही निकालना, क्योंकि ग्राम में निकलेगा ही निकलेगा। तो क्योंकि 1 kg खड़िया बराबर 1000 ग्राम, आप बढ़िया से लिखेंगे 1 kg खड़िया बराबर 1000 ग्राम खड़िया, इसलिए 1000 ग्राम खड़िया बराबर, ठीक, कार्बन हो पहले क्या है, कैल्शियम होगा, तो कैल्शियम कितना होगा, फिर लिखेंगे 1000 ग्राम का कितना परसेंट, 40% कैल्शियम है, तो फिर हो जाएगा 1000 × 40/100, 1 लड्डू कट गया, 40 = 400 ग्राम कैल्शियम निकल गया। ठीक, ये निकल गया कैल्शियम, फिर क्या निकालना है आपको, ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन निकालने का 1000 ग्राम आप लिखेंगे ऑक्सीजन बराबर 1000 ग्राम का क्या परसेंट है, 48% है, इसलिए 1000 का 48% फिर लिखेंगे 1000 × 48/100, क्योंकि हम प्रारंभ में ही पढ़ चुके थे जब किसी पद अक्षर के बगल में परसेंटेज चिन्ह लग जाए तो उसका हर सदैव 100 होता है। दो लड्डू कट गया, 10 × 48 = 480 ग्राम। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर 1000 ग्राम में कार्बन की मात्रा होगी 1000 ग्राम का 12%, फिर 1000 × 12/100, तो हम डायरेक्ट लिख दें 12/100, 2 जीरोस कट गया, 10 × 12 = 120 ग्राम। इस प्रकार टोटल 1000 ग्राम होगा। तो जो पहले निकला वो क्या है, कैल्शियम है, फिर दूसरा क्या निकला आपका, ऑक्सीजन है, तीसरा, ठीक, ये लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सो मैं क्या ना, ये कैल्शियम है आपका, यार यहाँ लिख लीजिए, ये कैल्शियम निकला है, ये क्या निकला आपका, ऑक्सीजन निकला, फिर नीचे क्या निकला, कार्बन निकला। वैसे आप अपने हिसाब से लगाएंगे, अपने हिसाब से लगा दिए, हम तो शॉर्टकट ही मारते हैं। हो गया, चलिए
आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा दी लेकिन आपको और बड़ा में लगाना है ताकि क्योंकि नंबर भी पूरे पूरे तो उठाने हैं आपको। प्रयास करिएगा 25 में 25 आ जाएगा आराम से, तब तक खत्म कर देंगे जब तक की परीक्षाएं आएंगी, ठीक। और प्रयास कीजिएगा इस वीडियो लिंक को और अपने सभी जितने भी ग्रुप हैं आपके पास शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, एक नगर में 1200 एक नगर की जनसंख्या 1200 है, एक नगर की जनसंख्या 1200 है, एक नगर की जनसंख्या 1200 है जिसमें 40% पुरुष तथा 30% महिला, 40% पुरुष 1200 का 4480 पुरुष, 1236 360 महिलाएं, और जितनी बचेंगी कितनी बचेंगी 30, तो 360 महिला। हाँ, अरे हम उत्तर भी लगा रहे थे, एक नगर की जनसंख्या 1200 थी जिसमें 40% पुरुष तथा 30% महिला थी तथा शेष बच्चे हैं, तो तीनों की अलग अलग संख्या बताइए। 400 360 360 हम बढ़ते हैं 36 बढ़ते हैं 36, हाँ 480 360 360, ठीक। देखिए अभी आसानी से लग जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। एक नगर की जनसंख्या 1200 थी, पहले ही देख लेते हैं नगर जनसंख्या कितनी थी, लिखेंगे नगर की जनसंख्या थी 1200, उसमें पुरुष कितने थे 40% पुरुष मेल, मेल बराबर 40%, फीमेल बराबर 30%। कह रहा उसमें बच्चे थे, बच्चे माने चिल्ड्रन, हाँ नहीं 30% बोले थे, नहीं 30 बोले थे, 40-30 बोले थे। फीमेल और चिल्ड्रन देखेंगे तो चिल्ड्रन पता नहीं है, तो कुल 100% होता है, कुल 100 होता है, इन दोनों को जोड़ कर अगर 100 में घटा दें किसके निकल जाएगा चिल्ड्रन, तो 100% माइनस मेल एंड फीमेल, तो चिल्ड्रन निकल जाएंगे अपने आप, 100 में से घटा देंगे 40 प्लस 30, तो 100 बराबर 40 और 30 70, फिर 100 माइनस 70 बराबर 30%, तो चिल्ड्रन जो निकल गए वो कितने निकल गए 30%। अब सबकी संख्या लगे निकाल दीजिए, मेल बराबर 1200, कि अगर मेल निकालना है आपको, मेल बराबर दिख रहा है ना, मेल बराबर 1200 का 40% का माने गुड़ा 40/100, लड्डू से कट गया, 12 × 40 = 480, ठीक। फिर फीमेल निकालना है तो 1200 का 30%, फिर 1200 × 30/100, लड्डू कट गया तो हो जाएगा 1236 360। फिर चिल्ड्रन निकालना है बच्चे, तो 1200 का 30/100, फिर 1236 360, तो पुरुष कितने हो गए 480, महिला 360 और बच्चे 360, ये हो गया पूरा। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बस दो क्वेश्चन और करा देंगे शायद आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक। लिखिएगा, एक मिश्रण में 20% लोहा, अड़तीस परसेंट रेत, 20% लोहा 38% रेत तथा शेष कांच है, यदि कांच की मात्रा 168 ग्राम हो, यदि कांच की मात्रा 168 ग्राम हो, यदि कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो, 168 ग्राम हो तो कुल मिश्रण की मात्रा क्या होगी, तो कुल मिश्रण की मात्रा क्या होगी, या अलग अलग मिश्रण में दोनों भी कुछ भी पूछ सकता है, कुल मिश्रण की मात्रा क्या होगी। तो ये आसानी से लग जाएगी, देखिए कह रहा है कुल मिश्रण होता है 100, ठीक। लिखेंगे आप तो इसे जान लीजिए कितना कितना बता रहे, 20 और 38, ठीक। 20% क्या है, लोहा
38% रेत, अगर कुल, अगर कुल में से रेत और क्या है लोहा घटा देंगे क्या बचेगा शेष, कांच, तो निकल जाएगा कांच बराबर, तो कांच बराबर 100 माइनस 20% ये हो जाएगा, ये 20 और 38 58% ये तो पूरा 100% है ही है, तो 100 में से 58 क्या हो जाएगा 42% कांच है, तो तीनों लिख लेंगे भाई, आप चाहे तो लिख सकते थे ऊपर 20% क्या था लोहा था और 38% रेत। अब क्या रहा, यदि कांच बराबर, यदि कांच कितना हो 168 ग्राम, तो माने 42% बराबर कांच है, और कांच कितना 168 ग्राम, तो 1% बराबर 168/42, 100% यानी कांच पूरा में 100% होगा, तो गुणे 100 करिए तो 100% बराबर 168/42 गुणे 100, मैंने दोनों पक्ष में 100 से गुणा कर दिया, 42 चौके ये, तो 4 × 100 बराबर 400 ग्राम कुल मिश्रण है। अगर इस 20 पूछेगा 400 का 20% निकाल देंगे, रेत पूछेगा 400 का 30% निकाल देंगे, इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए लिखिएगा, एक गांव की आबादी 4000 है, एक गांव की आबादी 4000 है, एक गांव की आबादी 4000 है, गांव की आबादी 4000 है, वहां 500 लोग दूषित जल पीने की वजह से पीलिया से पीड़ित हैं, 500 लोग दूषित जल पीने की वजह से पीलिया से पीड़ित हैं, तो बताइएगा कितने प्रतिशत लोग पीलिया से पीड़ित हैं। सीधी सी बात है, कह रहा है कि देखेंगे एक नगर की जनसंख्या 4000 है, दूषित जल पीने से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या 500 है, इसलिए पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 500 पीड़ित हैं कितने में से 4000 में से, ठीक, परसेंटेज के लिए गुड़े 100, ये दो लड्डू कट गया, ठीक, दो लड्डू कट गया, यह लड्डू इससे कट गया, ठीक, फिर क्या हो जाएगा आपका, ये दो दो यहाँ से हो गया, तो 4 से काटेंगे तो 2 × 4 = 2 × 5 = 10, तो हो जाएगा 5 × 5/2, माने 25/2% या 12 सही 1/2% या 12.5%, और कितने नहीं है पीलिया से पीड़ित, समझ घटा दीजिए 87.5%। दो क्वेश्चन और लगवा दे रहे हैं बस, और आप इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच जाए, और यदि आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है सीटेट यूपीटेट सुपरटेट के लिए, आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप 6306344367 पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, हो गया, आगे क्वेश्चन बोले, ठीक है, आप जो बोलेंगे वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम शॉर्टकट में लगवा देंगे आपको। कह रहा है यदि किसी परीक्षा में विज्ञान में कुल 40% अंग्रेजी में कुल 35% अनुत्तीर्ण हो तथा दोनों में 35% अनुत्तीर्ण हो, दोनों में 35% अनुत्तीर्ण हो, सॉरी 15% अनुत्तीर्ण हो, तो दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, यदि
उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 240 है, यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 240 है कुल विद्यार्थियों की प्रतिशत, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, ये सबका लगाने का तरीका अलग हो तो मैं थोड़ा सा अलग लगाऊंगा। देखिए पहले मैं दो वलय बना लेता हूँ, एक गोला फिर ये एक गोला, दोनों विषयों के नाम लिख लेते हैं पहले। कौन कौन सा विषय है पहले? साइंस, इंग्लिश, दो सब्जेक्ट हैं। तो साइंस में कितने अनुत्तीर्ण फेल हुए हैं, कितने? 40% फेल हुए हैं। इंग्लिश में 35%, लेकिन दोनों विषयों में 15% फेल हुए, ये दोनों फेल हैं। अगर कहते केवल साइंस में कितने फेल हैं, तब 15 घटा दिया तो कितना हो गया 25, मैंने 25% केवल साइंस में फेल है, केवल साइंस में, क्योंकि 15 तो दोनों में है। अगर 15 निकाल दिए 25 ऐसे हो गए जो केवल साइंस में फेल है, और अगर यहाँ इंग्लिश है इसमें से 15 निकाल दिया तो कितने होंगे 20% केवल इंग्लिश में फेल है। तो कुल कितने अनुत्तीर्ण है केवल इंग्लिश में, केवल साइंस में कितने हैं 25%, ठीक, केवल अंग्रेजी में, दोनों में कितने, ये अनुत्तीर्ण हो गया पूरा। तो 25, 20, 45 और 15, 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, फेल हैं। कुल कितने पास हैं? 100 होता है, 100 में अगर 60 फेल हैं तो पास कितने होंगे? 40% ये उत्तीर्ण है, वो अनुत्तीर्ण है। कह रहा यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या पूछा, उत्तीर्ण, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या 240 हो, उत्तीर्ण पर्सेंट कितना है 40%, तो यहां दिया है उत्तीर्ण बराबर 240, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है 40% बराबर 240, 1% बराबर 240 बटे 40, 100% गुणे 100, कुल विद्यार्थी अपने 100 होते हैं, 0 0 गुणे 4 छंग 24, 6 × 100 बराबर 600, कुल विद्यार्थी संख्या 600। समझ में आ गया? हाँ, देखिए दरअसल दिक्कत ये नहीं, ये हूबहू प्रश्न आपका पूछ देगा सेमेस्टर में, इसलिए इसको थोड़ा सा लैटरी लगा लेंगे, और कहीं ना कहीं फायदा भी तो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको सुपर टेट, सी टेट के, यूपी टेट के लिए गणित में काम ना है, ये हर जगह काम आपको आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? आप लोग भी देख लीजिए, इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रयास करिए, सबको शेयर कर दीजिएगा। ऐसे आप तो करेंगे अपने मन का, लाइक करें या ना करें शेयर कर देंगे तो उन लोगों तक तो पहुंच जाएगा। ऐसे आपकी इच्छा खुद ही स्वतंत्र हैं और समझदार भी हैं, तो जो चीज़ समझें आप वो बेहतर तरीके से आप कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, एक परीक्षा में 42% अंग्रेजी में, 42% अंग्रेजी में, 32% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 12% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो, यदि 12% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक, यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो, 760 हो तो
कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी आप आसानी से लगा सकते हैं ऐसे आपकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर एक, परीक्षा में 42% गणित में और 32% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यदि 12% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पहले इंग्लिश है पहले गणित है, इंग्लिश फिर मैथ, इंग्लिश में कितने, 42%, मैथ में, दोनों में, तो क्या करेंगे, केवल अंग्रेजी में कितने फेल हैं, तो 42 में से 12 निकाल दिए तो कितने हो गए 30%, पास करते तो पास में से घटा देते हैं, सीधी सी बात है दोनों पास इतने हैं, कहते अगर अंग्रेजी में इतने पास है गणित में इतने पास है दोनों में इतने पास है तब ये नहीं है, 32 - 12 कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा 20%, कुल कितने फेल हैं 30%, 12%, 20%, 30, 12, 42, 20, 62% दोनों फेल, कुल कितने पास है 100 होते हैं 100 में से 62% फेल हैं तो पास कितने हुए 38%, कह रहा है यदि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो 760 हो, उत्तीर्ण कितने हैं 760, उत्तीर्ण या परसेंट कितना 38, तो 38% = 760, 1% = 760/38, कुल परसेंट के लिए 100% × 100, 38 × 20 फिर 20 × 100 = 2000, कुल विद्यार्थी संख्या है 2000, ये पास पास क्या था तो पास निकल के यहाँ फेल वाला निकल जाता, सेम कंडीशन है सीधा उल्टा हो जाता। ठीक, कोई समस्या तो बताइए, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद का जो है लाभानी पढ़ेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लाभानी आपको एकदम समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आज वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्रयास करिएगा CRT किताब से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, अगर ये समझ में आ गया होगा सॉल्व करना बेहद आसान है और गणित तो वास्तव में सरल है, थोड़ा सा मेहनत करिए आप, बाकी हम तो साथ ही हैं अपना बेस्ट। और देखिए मार्केट में काफ़ी फर्जी नोट्स आपको वायरल मिलेंगे, उन नोट्स से भरोसा मत करिए क्योंकि मैंने देखा उसमें काफ़ी गलतियाँ हैं, तो ऐसे नोट्स के चक्कर में हम ना पड़ेंगे जिसमें काफ़ी गलतियाँ हों जिसमें काफ़ी त्रुटियाँ हों, आप अपने से प्रयास करिएगा अपना बेहतर दीजिएगा, आपके पास ढेर सारी किताबें होंगी उन्हीं को सॉल्व करिएगा, और कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे, और आप भी प्रयास करिएगा इस वीडियो लिंक को शेयर कर दिएगा अन्य सभी तक, और जैसे एक साथ जय हिंद जय भारत।